राहुल भाग और मेरे साथ है गौरव। और आज हम कवर करेंगे सुपर बाइक्स आपके लिए, सेकंड हैंड सुपर बाइक्स। सो करोल बाग में सबसे बेस्ट शॉप पे आए हैं हम, जैसे आप नाम देख सकते हैं इसका, जगदम्बा मोटर्स। ये है नई वाली गली करोल बाग, एड्रेस आप पूरा देख सकते हैं। और आज हम इनका दिखाते हैं स्टॉक आपको, बहुत ही बेहतरीन बाइक्स हैं इनके पास। वैसे नॉर्मल बाइक्स भी देख सकते हैं आप, R15 हो गई, KTM हो गई, KTM 200 खड़ी है यहाँ पे, RS 200, और कई सारी बाइकें हैं, बुलेट भी हैं। बट हम आपको आज दिखाएंगे सुपर बाइक्स। सो सबसे पहले चलते हैं अंदर और देखते हैं कौन सी है बाइक इनके पास अभी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़ी है कावासाकी Z800, नेकेड बाइक है। इसकी प्राइसिंग वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी अट्रैक्टिव लुकिंग बाइक है ये। तो भाई कुछ बाइकें और हैं इनके पास बहुत बेहतरीन सी, तो वो आप दिखाता हूँ आपको। साथ हमारे भाई हैं, भाई इधर आओ, भाई अपना नाम बताओ। रामकिशन नाम है, ये हमें प्राइसिंग वगैरह बताएंगे, कौन सा मॉडल है, कितने किलोमीटर चली है, तो कहाँ से शुरुआत करनी है बताओ भैया, कौन सी बाइक है? 3 ये हार्ली डेविडसन 883 है, 2014 मॉडल है। कितने किलोमीटर चली है? चली हुई 18,000 किलोमीटर चली हुई है, देख सकते हैं कंडीशन है इसकी। यहाँ पे आफ्टर मार्केट LED हेडलैम्प लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी इसका टैंक वाला देख सकते हैं आप, ये भी आफ्टर मार्केट ही है, जेन्युइन है। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लें हम, 19,500 किलोमीटर चली हुई है ये। स्टार्ट करके देखें, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है और KNN का फिल्टर लगा हुआ है इसमें, एयर फिल्टर। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो भैया कितने की पड़ेगी? 4,80,000 की है, नेगोशिएबल है? चलो ठीक है। और अब देखते हैं दूसरी बाइक। सो ये है बनीली TNT 600। भाई इसकी कंडीशन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन है, रेड कलर में है। अब इसका देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सत्रह हज़ार चली हुई है। इसकी भी एग्जॉस्ट साउंड सुनो, बहुत ही बेहतरीन एग्जॉस्ट है इसका। इसकी मांग कितनी है? 380 की है जी, 380 की। ये भी नेगोशिएबल है? हाँ जी, जब लेना हो थोड़ा बहुत। अब दिखाओ दूसरी बाइक। सो ये है रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT। सो ये कैफे रेसर है रॉयल एनफील्ड की तरह से, और इसका रॉयल एनफील्ड का भरोसा तो आपको पता ही है। कितने किलोमीटर चली हुई है? 8,000 किलोमीटर चली हुई है। 8,000 काफ़ी कम चली हुई है। क्या प्राइसिंग है इसकी? 2,65 की है। 2,65 इसमें तो स्ट्रोक एग्जॉस्ट लगा हुआ है, फिर भी इसकी आवाज़ सुनते हैं। पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लेते हैं इसका, देख सकते हैं 8,000 किलोमीटर चली हुई है। काफ़ी बेहतरीन आवाज़। लास्ट है हमारे पे BMW GS 310, 2019 मॉडल है, 7,000 किलोमीटर चली हुई है, और आप देख सकते हैं टूरिंग बाइक है, काफ़ी बढ़िया लग रही है। इसकी भी एग्जॉस्ट के साउंड सुन लेते हैं, पहले इसका देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आप देख सकते हैं कितने, 8,000 किलोमीटर चली हुई है। अच्छा भैया, इनके सर्विस रिकॉर्ड वगैरह होता है आपके पास? नहीं, कंपनी जाकर चेक करा सकते हैं।
अच्छा कंपनी जाके चेक करा दो। अब सुनते हैं इसकी एग्जॉस्ट के साउंड। बाइक कंडीशन इस बाइक की काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, और जितनी भी बाइक है इन सब की कंडीशन काफ़ी बढ़िया है। चारों ही बाइक हमने जैसे देखी, और हमने उधर जो हायाबुसा देखी Z800 देखी, उनकी क्या प्राइसिंग है? Z800 साढ़े पाँच लाख की पड़ेगी आसपास। बूसा पड़ेगी आपको 9 लाख की। हाँ, अगर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस हो जाएगा 50% होगा। और दिल्ली से बाहर वालों के लिए? अच्छा, अभी अवेलेबल नहीं है, पर ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो पाए बाहर से लोगों के लिए भी। और अगर अगर किसी दूसरे स्टेट में कोई चाह रहा है बाइक, दिल्ली के नाम होगी, दिल्ली वाले आईडी के नाम होगी। अच्छा, तो बाहर के लोग भी ले सकते हैं ना, बस आपको आईडी देनी होगी आपको दिल्ली वाले की, किसी की भी चलेगी, बाकी हो जाएगा। एड्रेस तो मैंने बताई दिया, आप भी बता दो भाई अपना एड्रेस। ठीक है भाई साहब, बता दिया मैंने आपको एड्रेस भी। सो अगर आपको सुपर बाइक लेनी है सेकंड हैंड तो इनके पास ज़रूर आएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।